हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। दोस्तों, मैं वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से एक एक टॉपिक का डिटेल में आपको अध्ययन करा रही हूँ, जिससे सभी टॉपिक में आपको कोई डाउट ना हो। जैसा कि मैंने इससे पहले सभी टॉपिक का सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी सेशन एंड MCQ सभी चीज़ें मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, फिर भी मैं एक बार फिर से सभी टॉपिक का वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से आपका रिवीजन करा रही हूँ। और इसके बाद MCQ के माध्यम से रिवीजन होगा, चाहे आप किसी भी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हों। जैसा कि आपके सामने अभी बिहार स्टेट मार्च में होने वाला है, उसके बाद BPSC आपका अगस्त में होगा, एंड उसके अलावा UP TGT PGT UP LT ग्रेड एंड उत्तराखंड LT ग्रेड एंड मध्य प्रदेश का आप जो भी टेट हुआ है, उसके बाद मुख्य परीक्षा नहीं हुआ है, सभी होने वाला है, सभी होगा। इसलिए आप डेली बेसिस से प्रिपरेशन करते रहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन से मिलकर हमारा तंत्रिका तंत्र बना होता है। तो दोस्तों, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, न्यूरॉन से बना हुआ एक जाल होता है, जो सोचने समझने संतुलन और मैसेज को या संदेश को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करती हैं, और अन्य अंगों से संदेश का जवाब हमारे अंगों तक पहुंचाता है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन से हुआ है, यानी कि तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की कार्यात्मक या फंक्शनल इकाई जो है न्यूरॉन होता है। तंत्रिका तंत्र का प्रारंभ है दोस्तों हाइड्रा से होता है, और याद रखिएगा, मनुष्य शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्वस टिश्यू होती है, जो 90 सेंटीमीटर होती है, जो जिसका जीवन में सिर्फ एक बार विभाजन होता है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है कि शरीर में विश्राम एवं पाचन क्रिया के लिए उत्तरदायी तंत्रिका तंत्र का भाग क्या कहलाता है। तो दोस्तों, हमारे तंत्रिका तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है, CNS, PNS, ANS। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आता है। PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत 43 जुड़े नाड़ियाँ आती हैं, जिसमें से 12 जुड़े नाड़ियाँ हमारे मस्तिष्क के कॉर्निथन नाड़ी निकलती हैं और 31 जुड़े नाड़ियाँ हमारे स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं। एंड तीसरा आता है ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि अनुकंपी अपरानुकंपी। तो जो हम अनुकंपी तंत्रिका तंतु होती है यानी सिंपैथेटिक, वह द्वंद प्रतिद्वंद प्रणाली यानी उत्तेजना के समय जो पूरे शरीर में बड़ी मात्रा में अवक्षेप उत्पन्न करता है, जैसे कि विपत्ति का सामना करने के लिए कोई खतरा है, भय है, दुख है, शोक है, इस स्थिति के में कार्य करता है कौन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि अनुकंपी तंत्रिका तंतु। जबकि जैसे कि नेत्र की पुतली फैल जाती है, लार का बहना बंद हो जाता है, पाचन एंजाइम निकलना बंद हो जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, स्वेद पसीना निकलने लगता है, हृदय धड़कन तेज हो जाती है, उसजी अंगों की पेशियां शिथिल पड़ जाती है। जबकि परानुकंपी जो होता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो पैरासिंपैथेटिक सिस्टम होता है, वो शरीर की आश्रयदाता प्रणाली होती है, यानी जैसे कि प्रेम, खुशी, हर्ष, शांत विश्रामावस्था में ये प्रभावशील होता है। ठीक है, यानी कि आपको याद रखना है कि जो विश्रामावस्था में, शांत अवस्था में, खुशी अवस्था में जो काम करता है वो पैरासिंपैथेटिक यानी कि परानुकंपी तंत्रिका तंतु काम करता है, ऑटोमेटिक होता है हमारा, इसमें कोई बस नहीं होता। और जो अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक होता है, वो किसी विपत्ति, खतरा, दुख, भय, शोक आदि की स्थिति में काम करता है। तो जैसा कि परानुकंपी जो होता है आश्रयदाता यानी कि शांत चित्त अवस्था में क्या होता है, नेत्र की पुतली जो है सिकुड़ती है, श्वेत ग्रंथि पसीना निकलने के स्त्राव को घटाता है, लार ग्रंथियों के स्त्राव को बढ़ाता है, हृदय धड़कन को घटाता है, श्वसन दर तथा रक्तचाप को कम करता है, पाचन क्रिया अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, विश्राम एवं पाचन क्रिया के लिए उत्तरदायी तंत्रिका का भाग क्या कहलाता है, तो पैरा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहलाता है यानी पैरासिंपैथेटिक। यही पे आपको कहेगा उत्तेजनाशील, गुस्सा, खतरा, शोक, इस उत्तेजना के समय जो काम करता है वो कौन किया कहलाता है, अनुकंपी यानी कि सिंपैथेटिक। आई होप कि आप समझ गए होंगे।
नेक्स्ट है दोस्तों, चयापचय मेटाबॉलिक सिंड्रोम में किनका संयोजन पाया जाता है? तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक प्रकार का आपका रोग होता है दोस्तों। इसमें हमारा उदरी मोटापा यानी कि पेट की मोटापा बढ़ता है, बढ़ा हुआ रक्तचाप बढ़ जाता है, एंड अल्प एचडीएल होता है। एचडीएल हमारे जो कोलेस्ट्रॉल होता है दो प्रकार का होता है, एचडीएल एंड एलडीएल। यानी कि एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एचडीएल का होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यानी कि एलडीएल हमारे शरीर के लिए खतरनाक होता है जबकि एचडीएल हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। तो अल्प एचडीएल HDL एंड उदरीय मोटापा बढ़ा हुआ रक्तचाप होता है किसमें? मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। एंड नेक्स्ट है कि तनाव किसके माध्यम से अनैच्छिक अंगों में अति सक्रियता लाता है? तो तनाव, गुस्सा, विपत्ति की बात आए तो वहां पे सिंपैथेटिक तंत्रिका यानी कि अनुकंपी तंत्रिका आपका राइट होगा। और जब आश्रय तथा शांत चित्त की बात आए तो वहां पे परानुकंपी तंत्रिका यानी कि पैरासिंपैथेटिक तंत्रिका राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों कि सर्केडियन क्लॉक मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है? तो दोस्तों सर्केडियन क्लॉक जो है मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस वाले भाग में उपस्थित होता है। सर्केडियन क्लॉक किस में अवस्थित होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मतलब क्या होता है कि जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन होता है मस्तिष्क को, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा मस्तिष्क और ब्रेन आता है, तो हमारे मस्तिष्क के तीन भाग हैं, फोर ब्रेन यानी अग्रभय, मध्य ब्रेन यानी कि मिड ब्रेन, मध्य भाग एंड पश्च भाग, अग्र मध्य पश्च। तीन भागों में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो अग्र भाग को हम दो भागों में बांटते हैं, जैसे कि हमारा सेरेब्रम हो गया और थैलेमस, हाइपोथैलेमस अग्र भाग में आता है। मध्य भाग में आपका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना सेरेब्रल पेंडिकल आता है। अपश्च भाग में सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लॉन्गेटा आता है। तो जो हमारा सेरेब्रम होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और यह हमारे बुद्धिमत्ता का, चिंतन का केंद्र होता है। सोचने, समझने, सुनने, सभी प्रकार के बुद्धिमत्ता का केंद्र हमारा प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम होता है। जबकि हमारा जो थैलेमस होता है वह ठंडा, गर्म और दर्द का अनुभव कहलाता है और ये रिलीज स्टेशन का काम करता है। जबकि हाइपोथैलेमस जो होता है दोस्तों वो सर्केडियन क्लॉक मस्तिष्क में सर्केडियन क्लॉक का काम करता है। यानी कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है यह सभी प्रकार के भावनाओं का केंद्र होता है, जैसे प्रेम, घृणा, हर्ष, विषाद, क्रोध, सभी प्रकार के भावनाओं का केंद्र हमारा हाइपोथैलेमस होता है। और ताप नियंत्रक, और हाइपोथैलेमस में क्या क्या होता है? ताप नियंत्रक केंद्र यहीं पे होता है हाइपोथैलेमस में, हार्मोन नियंत्रक केंद्र होता है, जल संतुलन नियंत्रक केंद्र होता है, भूख प्यास लगने का केंद्र भी यहाँ से ही होता है हाइपोथैलेमस, एंड कार्बोहाइड्रेट एंड वसा का उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म का कार्य भी करता है हाइपोथैलेमस, तो याद रखिएगा। एंड जो हिंड ब्रेन, मध्य ब्रेन होता है, मध्य ब्रेन में कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है जो देखने या सुनने की क्षमता पर नियंत्रण करता है, एंड सेरेब्रल पेंडिकल जो होता है वह कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ता है, और हिंड ब्रेन यानी पश्च ब्रेन में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा होता है। सेरिबेलम जो होता है हमारे शरीर के गति को नियंत्रित करता है, और जबकि मेडुला ऑब्लॉन्गेटा क्या करता है? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा वाइटल फंक्शंस यानी जो हमारी जैविक क्रियाएं हैं जिन पर हमारी इच्छाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सभी चीजों को नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। जैसे कि हमारे पाचन तंत्र की जो क्रमाकुंचन गति होती है, जैसे आंतों में रक्त परिसंचरण तंत्र, हृदय धड़कन, श्वसन क्रिया आदि सभी अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, याद रखिएगा। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमियोस्टेसिस को कायम रखते हुए जो अंग शरीर की आंतरिक वातावरण को प्रभावित करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आंतरिक वातावरण, ताप नियंत्रण, जल नियंत्रण, भावनाओं का केंद्र, कार्बोहाइड्रेट, वसा का पाचन केंद्र, मेटाबॉलिज्म केंद्र, सभी कहाँ पे होता है? ये हाइपोथैलेमस हमारा प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, हाँ रे, हाँ है, डेंड्राइट्स दिमाग में किस
का भाग होता है। तो दोस्तों डेंड्राइट जो होता है ये न्यूरॉन का, नर्वस टिश्यू का भाग होता है, जो हमारे से नर्वस सिस्टम का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होता है। जो न्यूरॉन होता है उसके तीन भाग होते हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। डेंड्राइट्स क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो न्यूरॉन होता है इस तरीके की आकृति का होता है, ठीक है। ये बीच वाला भाग जो है सेल बॉडी है, ये जो निकला हुआ है ये आपका डेंड्राइट्स है। फिर यही सेल बॉडी से निकलता है एक पूंछ के समान, जिसे हम कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। तो ये डेंड्राइट्स क्या करता है, ये संदेशों को प्राप्त करता है, दूसरे न्यूरॉन से संदेशों को प्राप्त करके सेल बॉडी की ओर ले जाता है, और सेल बॉडी से संदेशों को ले जाता है दूसरे न्यूरॉन या मांसपेशियों की तरफ हमारा एक्सॉन। कौन ले जाता है? एक्सॉन। तो हमारा जो डेंड्राइट्स है वो संदेश प्राप्त करता है, और जो एक्सॉन है वो संदेश को प्रेषण करता है, भेजने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक। नेक्स्ट है, हमारी श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रक केंद्र कहाँ स्थित होता है? तभी मैं जस्ट बताई हूँ कि जो हमारा मेडुला ऑब्लॉन्गेटा होता है सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रक केंद्र होता है। तो हमारे श्वसन क्रिया का नियंत्रक केंद्र एंड हृदय धड़कन, पाचन तंत्र, सभी चीज़ों का नियंत्रक केंद्र होता है जो अनैच्छिक क्रिया होती है वो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा होता है, ठीक है। मज्जा पुष्टिका जिसे भी हिंदी में कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, हृदय और फेफड़ों किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो जस्ट चाहे जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं होंगे वो सभी मेडुला ऑब्लॉन्गेटा द्वारा नियंत्रित होगा, याद रखिएगा मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। नेक्स्ट दोस्तों, रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, यानी कि हमारे तंत्रिका तंत्र शरीर को बड़े पैमाने पर अनैच्छिक अथवा चेतन अवस्था में नियंत्रित करता है। और प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन की खोज किया था मार्शल हॉल ने। जैसे इसका एग्जांपल है सांप को देखकर अचानक से भाग जाना, धमाका सुनकर चौंक जाना, गर्म वस्तु छूने पर तुरंत हाथ हटा लेना, ये सभी प्रतिवर्ती क्रिया हैं। और प्रतिवर्ती क्रिया जो है रिफ्लेक्स एक्शन दो प्रकार का होता है, एक अप्रतिबंधित यानी जो जन्मजात होता है, जैसे तेज प्रकाश पड़ने पर पुतली का सिकुड़ना, छींकना, खांसना, ये जन्मजात होता है। जबकि प्रतिबंधित प्रतिक्रिया जो होती है जो नियमित प्रशिक्षण और अभ्यास के कारण, लर्निंग के कारण, सीखने के कारण होता है। जैसे कि प्रारंभ में हम और इन क्रियाओं का जो हम सीखते हैं प्रशिक्षण अभ्यास के द्वारा, प्रारंभ में नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा होता है, ब्रेन के द्वारा, लेकिन बाद में इन क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कार्ड के द्वारा होने लगता है। जैसे कि साइकिल चलाना, प्रारंभ में आप सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, उस समय आपका संचालन जो है ब्रेन करता है। जब आप सीख जाते हैं तो बिना देखे या कुछ काम करते हुए, बात करते हुए भी साइकिल चला लेते हैं, तो वहाँ पर आपका ब्रेन कोई काम नहीं करता है, वो स्पाइनल कार्ड काम करता है, ठीक है। उसका नियंत्रण आपका स्पाइनल कार्ड करता है। जैसे साइकिल चलाना, नाचना, टाइपिंग करना, तैरना, स्वादिष्ट भोजन को देख मुंह में पानी आना, ये सभी क्रियाएं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, परिस्थिति में बदलाव के आधार पर गतिज क्रिया का प्रभावी रूप से सामंजस्य करने की योग्यता को क्या करते हैं? दोस्तों ये एडाप्टेशन योग्यता होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्पोर्ट ट्रेनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। परिस्थिति में बदलाव जब भी आएगा, बदलते परिस्थितियों में अपने आप को ढालना, सामंजस्य स्थापित करना एडाप्टेशन योग्यता यानी कि अनुकूलन योग्यता कहलाता है। नेक्स्ट है, मानसिक द्वंद्व की स्थिति में किया गया समायोजन क्या कहलाता है? तो मानसिक द्वंद्व की स्थिति में किया गया समायोजन स्व समायोजन कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है? दोस्तों तो अग्रभाग में, यानी कि अग्र मध्य पश्च तीन भागों में बांटा गया है, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो अग्रभाग अग्र मस्तिष्क में हमारा सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क आता है, और हाइपोथैलेमस थैलेमस आता है, याद रखिएगा, ठीक है। और मध्य ब्रेन में हमारा कॉर्पोरा कॉर्डी जेमिना एंड पश्च ब्रेन में सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, सेरिबेलम पोन्स और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा आता है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर में चतुर्थ कपाल स्नायु क्या है? तो ट्रॉक्लियर होता है, जो हमारे कान में जाता है। सातवां कपाल तंत्रिका हमारे चेहरे में होती है, याद रखिएगा। दसवीं कपाल तंत्रिका को बेगस तंत्रिका कहते हैं, जो सबसे लंबी तंत्रिका होती है, जो हृदय धड़कन आदि को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है, ध्यान तनाव को किस प्रक्रिया द्वारा घटाया जाता है?
तो दोस्तों ध्यान तनाव को घटाने की बात कर रहा है। तो ध्यान तनाव तनाव इन सब की बात आए तो वहां पे अनुकंपी तंत्रिका तंतु होगा, लेकिन तनाव को घटाने की बात कर रहा है, यहां पर अनुकंपी तंत्रिका होना चाहिए, पैरासिंपैथेटिक। तो यहां पे राइट आंसर दिया हुआ है कि अनुकंपी तंत्रिकी क्रिया को घटाकर, जो तनाव वाले तंत्रिका हैं उन सबको घटाकर हम तनाव को, ध्यान को, प्रक्रिया को घटा सकते हैं। मतलब अनुकंपी तंत्रिका यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम को, नर्वस टिश्यू को घटाकर हम परानुकंपी तंत्रिका तंतु को एक्टिव करेंगे, जैसे हम प्राणायाम के द्वारा करते हैं। ठीक है, जब हम दाईं वाले नाक से हम, जैसे कि सूर्यभेदी चंद्रभेदी प्राणायाम होता है, तो सूर्यभेदी जब करते हैं तो जो हमारा दायां नाक होता है वो सूर्य का प्रतीक होता है, तो उसको जो उससे जब हम सांस लेंगे और दूसरे नाक से छोड़ेंगे तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस टिश्यू होता है वो एक्टिव होता है। जब हम बाएं नाक से सांस लेके दूसरे नाक से छोड़ते हैं, चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं, तो वहाँ पे पैरासिंपैथेटिक नर्वस टिश्यू एक्टिव होता है। तो ये क्रियाएं हम करके अपने को एक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि डेंड्राइट्स तंत्रिका आवेगों को मस्तिष्क में किधर ले जाते हैं। तो अभी जब मैं जस्ट बताए हूँ कि डेंड्राइट्स क्या करते हैं, संदेश प्राप्त करता है, और एक्सॉन क्या होता है, संदेश प्रेषण करता है यानी भेजने वाले हैं। तो डेंड्राइट्स संदेशों को दूसरे न्यूरॉन से प्राप्त करके सेल बॉडी की ओर भेजती है। ठीक है, तो सेल बॉडी की ओर भेजेगी। नेक्स्ट दोस्तों, थाइमस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन किन कोशिकाओं की परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों थाइमस ग्रंथि जो है वो लिम्फो साइट्स का निर्माण करती है, तो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स का हार्मोन का स्थापित करने में भूमिका निभाती है, जो हमारे शरीर को प्रति, जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारे शरीर के बैक्टीरिया यानी कि एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, जो टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स होता है, जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया और अन्य जीवाणुओं से रक्षा करती है। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर में स्पाइनल कार्ड की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो स्पाइनल कार्ड होता है उससे 31 जोड़ी नाड़ियां निकलती हैं। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी। जबकि ब्रेन से कितनी निकलती है? 12 जोड़ी। नेक्स्ट, रेनवियर की एक संधि ग्रंथि, रेनवियर की एक ग्रंथि से दूसरी ग्रंथि में तंत्रिका आवेग का रुकना क्या कहलाता है? यह कहलाता है प्रवलगी संवहन। यह आपका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, शरीर व उसके अंगों की रक्षा तथा सहारा देने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है संयोजी उत्तक, जो दो अंगों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कौन होता है। तो दोस्तों जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन सब का नियंत्रण केंद्र होता है आपका मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, जैसा कि मैंने बार बार बताया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्फैक्टरी एक तंत्रिका है, तो यह हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन से निकलने वाले कार्निथन नाड़ी की प्रथम तंत्रिका होती है, जो सूंघने से संबंधित होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, कड़पटह झिल्ली कहाँ पे पाई जाती है, तो यह हमारे कान में पाई जाती है। नेक्स्ट, कौन सी कपाल तंत्रिका नेत्र गति के लिए जिम्मेदार होता है। तो उपचालक तंत्रिका जो होती है वो नेत्रों की गति के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट है, किस हार्मोन का सबसे अधिक प्रभाव तंत्रिका परिवर्तन पर पड़ता है, तो टेस्टोस्टेरोन का पड़ता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का भार पूरे शरीर के भार का लगभग कितना परसेंट होता है। दोस्तों तो 2% होता है, 1/50 भाग होता है, 1350 से 1450 इसका भार होता है मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अकेला नर्व इम्पल्स क्या उत्पन्न करता है। तो एक अकेला नर्व इम्पल्स केवल एक बार संकुचन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होते हैं। तो हमारे केंद्रीय, जैसे कि मैंने बताया है, तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा जो मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड होता है यानी कि रीढ़ रज्जु। ठीक है, और पीएनएस में 43 जोड़े नाड़ियाँ होती हैं, यानी 12 जोड़े हमारे ब्रेन से निकलती हैं, कॉर्निथन नाड़ी, 31 जोड़े हमारे स्पाइनल कार्ड मेरु रज्जु से निकलती हैं, और तीसरा होता है टीएनएस यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, इसके बारे में थ्योरी सेशन भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय नाड़ी तंत्र को उत्तेजित करने वाली दवा कौन सी होती है? तो सीएनएस उत्तेजक होता है आपका एम्फेटामाइन। क्या होता है? एम्फेटामाइन। ये डोपिंग के अंतर्गत प्रतिबंधित दवा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या कितनी है? नाड़ी यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके तीन अंग होते हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन, तीन होती है। नेक्स्ट दोस्तों, यदि एक तंत्रिका रेशा पेशी के रेशे में स्फूर्ति उत्पन्न करे, यानी कि एक तंत्रिका का जो रेशा है, तंतु है, वो पेशी के रेशे में स्फूर्ति उत्पन्न करे, तो उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे मोटर यूनिट कहा जाता है। याद रखिएगा, जो हमारे पेशियों में गति के बाद जहां भी आए स्फूर्ति की बात हो, वहां मोटर शब्द जरूर रहेगा। ठीक है, तो मोटर का मतलब ही होता है गति, यानी कि एक तंत्रिका रेशा यानी तंतु पेशी के रेशे में स्फूर्ति उत्पन्न करे तो उसे कहा जाता है मोटर यूनिट। जैसे कि जब हमारे तंत्रिकाओं से एक्शन पोटेंशियल यानी तंत्रिकाएं हमारे जो मसल्स होती है उसमें आती हैं, तब हमारे मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट है, अल्कोहल के सेवन का तुरंत प्रभाव यह होता है कि इससे रक्त में अल्कोहल का स्तर बढ़ जाता है। क्या यह 0.1 मिलीग्राम परसेंट यह हो है तो इसे प्रभावित होता है, तो इसे हमारा न्यूरोमस्कुलर संयोजन, जो हमारे न्यूरॉन और मसल्स का संयोजन है, वो क्या होता है, वो गड़बड़ हो जाता है, जिससे मनुष्य जो है इधर उधर की गति करने लगता है, इधर उधर गिरने लगता है, जैसा कि आप खुद देखते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, कौन सी प्रणाली शारीरिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है? शरीर की सभी प्रक्रियाओं का केंद्र बिंदु कौन माना जाता है? हमारी तंत्रिका प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट है, स्नायु तंत्र की धड़ वाहिनी यानी ट्रंक लाइन को क्या कहा जाता है? तो स्नायु तंत्र की धड़ वाहिनी यानी ट्रंक लाइन बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु या मेरुदंड को। नेक्स्ट है, मायोन्यूरल जंक्शन के भीतर प्रवेश की क्षमता बढ़ाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? यह होता है एसिटाइलकोलाइन। क्या होता है? एसिटाइलकोलाइन यानी जो एक्शन पोटेंशियल जो हमारे मसल्स में आता है, निकलता है, तो ये हमारे न्यूरॉन और मसल्स दोनों को क्या करता है, जोड़ देता है, और जिससे कारण जो है मसल्स में जो मायोसिन होता है वो एक्टिव हो जाता है, उसके अंदर एसिटाइलकोलाइन चला जाता है, एक्शन पोटेंशियल चला जाता है, जिसके कारण मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है, गति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, लगातार अभ्यास के परिणाम स्वरूप नर्वस सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लगातार अभ्यास करेंगे तो आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, वो तत्पर रहता है, एक्टिव रहता है। नेक्स्ट है, लगातार अभ्यास के कारण केंद्रीय नाड़ी संस्थान के सक्रिय होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लगातार अभ्यास करेंगे तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सक्रिय होगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा तो मांसपेशियों की रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, लगातार अभ्यास से संपूर्ण शरीर के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, लगातार अभ्यास करेंगे तो आपका एक्शन पोटेंशियल में अत्यधिक सुधार होगा, ज्यादा मात्रा में तंत्रिका हमारे मसल्स में आएंगे, हमेशा एक्टिव रहेंगे, और तंत्रिकाओं का विकास, तंत्रिकाओं के संवेगों में वृद्धि होगा। एंड नेक्स्ट है, लगातार अभ्यास से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किस रासायनिक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है जिससे मांसपेशियां जल्दी जल्दी संकुचित होती है? तो दोस्तों, वो होता है कैल्शियम आयंस की मात्रा। जैसे कि कैल्शियम आयंस जो होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है जब भी एक्शन पोटेंशियल मांसपेशियों में आता है, तो एक कैल्शियम आयंस जो है बाहर निकलते हैं और मांसपेशी जो है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक्टिव हो जाता है। जैसे कि जो हक्सले ने 1954 में अमेरिका के वैज्ञानिक ने मसल्स का सरकवा सूत्र सिद्धांत दिया है, उस चीज को आप पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट दोस्तों, अभ्यास के कारण खिलाड़ियों के संवेग यानी इमोशन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब आप अच्छा अभ्यास करेंगे डेली बेसिस पे, तो आप अपने संवेग यानी इमोशन को कंट्रोल कर पाएंगे, तो संवेग नियंत्रण में रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, कि तंत्रिका तंत्र द्वारा अभ्यास के माध्यम से खिलाड़ियों में किसका सुधार होता है? तो तंत्रिका तंत्र द्वारा अभ्यास के माध्यम से खिलाड़ियों में सहनशीलता और प्रदर्शन दोनों, यानी कि जो हमारा एंड्योरेंस एंड जो हमारा परफॉर्मेंस होता है, दोनों डेवलप होता है।
नेक्स्ट, नियमित अभ्यास के परिणाम स्वरूप तंत्रिका से तंत्रिका युग्मन पर समन्वय में क्या सुधार होता है? अगर डेली बेसिस पर आप अभ्यास करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप तंत्रिका से तंत्रिका युग्मन पर क्या होगा? तंत्रिका में आवेगों व उत्तेजना में कमी होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, हार्ट फ्लैश, बाधित निद्रा, भावनात्मक परिवर्तन किसके विशिष्ट लक्षण हैं? यह मेनोपॉजल सिंड्रोम का है। एक मेनोपॉजल सिंड्रोम एक प्रकार का विकार है, रोग है, जिसके अंतर्गत हमारा हार्ट फ्लैश, निद्रा बाधित हो जाती है, भावनात्मक परिवर्तन होती हैं, ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मेरुरज्जु का कार्यात्मक विभाजन क्या है? तो दोस्तों शारीरिक संवेदी, कार्यात्मक विभाजन क्या है? शारीरिक संवेदी। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ शरीर का संतुलन बनाने में मदद करता है? तो हमारे कान में जो द्रव होता है एंडोलिम्फ नामक, वही शरीर का संतुलन बनाए, यानी कान का दो कार्य होता है, एक सुनना, एक शरीर का संतुलन बनाना। तो कान में जो एंडोलिम्फ नामक द्रव होता है वो शरीर का बैलेंस बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है, बायोफीड बैंक वो तकनीक है जिसके उपयोग द्वारा व्यक्ति नियंत्रण द्वारा शांत होना सीखता है। यानी कि बायोफीड बैंक वो तकनीक है जिसके उपयोग द्वारा व्यक्ति नियंत्रण द्वारा शांत होना सीखता है। यह संवेदी आवेगों का इनपुट के द्वारा क्या, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा व्यक्ति नियंत्रण द्वारा शांत होना सीखता है, तो बायोफीड बैंक तकनीकी के द्वारा। और इसमें क्या होता है, संवेदी आवेगों का इनपुट होता है। नेक्स्ट है, स्वेद ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? स्वेद ग्रंथियों की बात क्या है, जो कहाँ पाई जाती है, स्किन में, हमारी त्वचा पे। एंड कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा उत्सर्जन तंत्र यानी इस सेक्रेटरी सिस्टम से, जिसका मुख्य अंग होता है हमारा किडनी, एंड उत्सर्जन में हमारा जो अव्यर्थ पदार्थ होते हैं बाहर निकलते हैं, इसी को हम उत्सर्जन कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा त्वचा से पसीना के रूप में बाहर निकलता है, वृक्क जो है वो यूरिन बनाता है जिससे शरीर से बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलता है, ये सभी उत्सर्जन तंत्र के भाग है। बट मुख्य भाग क्या है आपका, नेफ्रॉन यानी कि यूरिन, क्या है मुख्य भाग, किडनी, ठीक है, वृक्क। तो वृक्क जो है एक नेफ्रॉन से बना होता है, नेफ्रॉन नामक जालिका से, नली से, नालिका से। तो नेफ्रॉन किसकी इकाई होती है दोस्तों, तो वृक्क की यानी कि किडनी की। नेक्स्ट है, पेशाब से प्रतिदिन लगभग कितना पानी खर्च होता है? तो 1500 ml यानी कि 1.5 लीटर पानी खर्च होता है। नेक्स्ट है, त्वचा से प्रतिदिन कितना पानी खर्च होता है? तो कम से कम 900 ml यानी कि 900 ml खर्च होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किडनी के अपर लोब में जो ग्रंथि होती है तो क्या कहते हैं? आप सबको पता है एड्रेनल ग्रंथि होता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कितनी किडनी जो है, हमारे शरीर में किडनी जो है प्रत्येक घंटे में कितनी बार रक्त को साफ यानी फिल्टर करता है? तो 2 बार। रक्त को फिल्टर करने का काम करता कौन करता है? हमारा किडनी करता है, उसमें जो ग्लोमेरुलस होता है वही करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मूत्रपिंड घटक नेफ्रॉन किसकी अति सूक्ष्म संरचना है? तो हमारे गुर्दे की यानी किडनी की। नेक्स्ट है, यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से अंग आते हैं? तो किडनी आता है, उसके बाद यूरेटर यानी कि मूत्र नलिका आती है, उसके बाद यूरेथ्रा लास्ट में आता है दोस्तों, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर आता है जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है, उसके बाद यूरेथ्रा के रास्ते बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इलियम किस तंत्र का भाग है? तो इलियम हमारे छोटी आंत में पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें हमारे पची हुए भोजन का अवशोषण होता है, रक्त में मिलता है, जिसके बाद स्वांगीकरण होता है, तो यह हमारे पाचन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट है, किडनी में अनावश्यक तथा जहरीले पदार्थों में कौन छानता है? तो किडनी में अनावश्यक जहरीले पदार्थों को कौन छानता है? तो किडनी में अनावश्यक जहरीले पदार्थों को छानता है, फिल्टर करने का काम करता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल, जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है वो उसी में छानता है, ठीक है, फिल्टर होता है। नेक्स्ट, मूत्र में कितने परसेंट पानी होता है? तो 96%। याद रखिएगा, हमारे शरीर में 70% जल होता है, मांसपेशियों में 75% जल होता है, एंड यूरिन में यानी मूत्र में 96%। नेक्स्ट है, मूत्र में यूरिया तथा अन्य उपापचयात्मक पदार्थ कितना परसेंट पाया जाता है? तो यूरिन में यानी मूत्र में यूरिया 7% या अन्य उपापचयात्मक पदार्थ जो है 2% पाया जाता है। नेक्स्ट है, मूत्र में उपापचयात्मक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो यूरिया, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनाइन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है,
ठीक है, यही चीज हमारे पसीने में भी निकलता है। नेक्स्ट दोस्तों, किडनी की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो नेफ्रॉन को कहते हैं। नेक्स्ट है, किडनी से लेकर ब्लेडर तक मूत्र लाने वाली नलिका को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यूरेटर, मूत्र नलिका। ठीक है, नेक्स्ट, एक व्यक्ति के शरीर का सामान्य रूप से कितना तापमान होता है? आपको पता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट एंड सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे यहाँ मिनिमम माना जा सकता है 97 से 99 फारेनहाइट या 36 से 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारे स्किन के बारे में। तो हमारे स्किन की तीन परत होती है। सबसे स्किन की सबसे बाहरी परत को हम कहते हैं एपिडर्मिस। फिर उसके बाद स्किन दूसरी परत यानी कि परत को हम उसकी निचली परत को कहते हैं डर्मिस। और उसके बाद होता है आपका श्वेत ग्रंथि, जहाँ पे होता है एडिपोज टिश्यू होती है सबसे निचली परत में। तो पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? तो श्वेत ग्लैंड से होता है, हमारी त्वचा में होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में नर्वस सिस्टम्स एंड सेक्रेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बताया। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपका होगा डिजीज यानी कि रोगों से रिलेटेड। उसके बाद आपका स्पोर्ट ट्रेनिंग, जितने भी टॉपिक हैं, टिशियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, सभी से इस प्रकार के वीडियोज होंगे, जिसे एक एक टॉपिक आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।